वेलकम टू C++ कंप्लीट लर्निंग सीरीज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो सीखनी हैं, और इसके अंदर हम C++ का रोड मैप देखेंगे। तो अगर आप थ्योरेटिकल चीज़ों से हट के ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं उन्हें बेहतर तौर पे अपने उन पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है। इस सीरीज़ में आने वाली तमाम वीडियोज़ का फोकस, जो मेन फोकस होगा, वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे होगा। हम उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखेंगे कि ये एक्चुअली जो भी चीज़ें हम सीखेंगे वो एक्चुअली काम करती कैसे हैं, और जो थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी वो भी साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन जो किताबी कीड़ा जो है वो हमने यहाँ पे नहीं बनना। उसी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह से हमने C++ का ये जो रोड मैप है इसको हमने किस तरह से इस सीरीज़ के साथ ले कर चलना है। सबसे पहले हम देख लेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कंपाइलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और C++ का जो कंपाइलर है वो कौन सा है, और उसकी कौन कौन से कंपाइलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद इसके पैराडाइम्स हैं, पैराडाइम्स क्या होता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर और पहला प्रोग्राम हम लिखेंगे, फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, जो डेटा टाइप्स होती हैं उसमें स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, फिर कीवर्ड्स क्या होते हैं, फिर ऑपरेटर्स क्या आते हैं एट्सेट्रा, और उसके बाद मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, फिर हम रेपिटेशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे या लूप्स होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शंस वगैरह, उसके साथ हम बाद में इन सभी चीज़ों को समझने के बाद हम ऊप की तरफ बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर हम ऑफकोर्स क्लासेस देखेंगे और स्ट्रक्चर्स देखेंगे, और यहाँ पे स्ट्रक्ट्स लिखना चाहिए था, स्पेल की मिस्टेक होगी, और उसमें फिर इनहेरिटेंस एंड जो जो भी ऊप के अंदर आ जाता है, और उसके बाद हम एडवांस्ड लेवल जो है इसका C++ उसके अंदर जाएंगे कि STL वगैरह जो है वो क्या होते हैं, और फिर एल्गोरिदम्स और ऑल अदर कूल स्टफ जो भी इसके अंदर आ जाता है एडवांस लेवल पे जाके। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। इस तरह से ये हमारा शॉर्ट सा इसका रोड मैप था। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं ये किस तरह से हम ये जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे। कंपाइलर देखेंगे, कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर क्या करता है। उसके बाद हमारे पास पैराडाइम्स, पैराडाइम्स बेसिकली वो होता है कि एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है। C++ जो है वो क्या क्या कर सकती है वो हम इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके पैराडाइम्स कौन कौन से हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर जो है हमारा C++ का वो क्या है, इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लाजमी तौर पे करना पड़ेंगी इन ऑर्डर टू कोई भी हम प्रोग्राम जो है उसको कंपाइल करना चाहते हैं तो, और उस तरह से हम देखेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो क्या क्या और कौन कौन सी हैं। और उसके बाद हम उसी वीडियो के अंदर इसका पहला प्रोग्राम भी लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप क्या होती है कि हमने कोई भी डाटा जो है उसको स्टोर करवाना है, नंबर हो सकता है वो, या कोई वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होता है और किस तरह से हम उसको स्टोर करवाएंगे मेमोरी के अंदर वो हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल हैं C++ में और कब कौन सा यूज़ करना है। और उसके बाद स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। सी स्ट्रिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं डाटा टाइप्स, तो वो बहरहाल स्ट्रिंग जो हैं वो जब उसकी वीडियो आएगी तो हम देखेंगे, और डिटेल की जो होगी स्ट्रिंग्स की वो हम उससे भी बाद में जाके देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यही देखेंगे कि स्ट्रिंग जो हैं वो क्या होती हैं और कैसे उनको यूज़ करना है हमने। और फिर उसके बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह की, ये जो सिंपल होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं और उन सबको हम देखेंगे ऑपरेटर्स में। और उसके बाद एडवांस टच हम थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, कि पॉइंटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, रेफरेंस क्या होता है, और एरेज देखेंगे, वन डायमेंशनल देखेंगे, मे बी टू डायमेंशनल भी देख लें, लेकिन उनकी जो टू डायमेंशनल एरेज हैं उनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मज़ीद मेजर कॉन्सेप्ट्स। उसके अंदर हमारे पास कंडीशनल्स हैं। अब ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मेजर कॉन्सेप्ट्स, ऑफ कोर्स इसकी हेडिंग भी बता रही है कि ये मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी से हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको हमने जब तक हमारी प्रोग्रामिंग होती रहनी है, जितने भी एडवांस लेवल पे हम पहुंच जाएं, ये चीज़ें ऑलवेज यूज़ होंगी और बार बार यूज़ होंगी। इसके अंदर हमारे पास कंडीशनल्स हैं, यानी कि इफ़ एल्स जो होता है, अगर आप उससे फेमिलियर हैं तो वेल एंड गुड नहीं है तो हम उसको देखेंगे। स्विच स्टेटमेंट्स जो होती हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं।
और उसकी तरह उसके बाद हम रेपिटेशन पे आ जाएंगे कि लूप्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स भी हैं और उनके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं हमारे लूप्स के साथ वो क्या हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद पॉइंटर्स जो हैं इनको हम थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे हम इनकी मज़ीद देख लेंगे, और उसके बाद हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। C++ के अंदर रिटर्निंग फंक्शंस और नॉन रिटर्निंग फंक्शंस होते हैं, दो तरह के फंक्शंस होते हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से बनाना है, और फिर फंक्शन की जो मज़ीद हम डिटेल्स जो हैं वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे तो जस्ट प्रेजेंटेशन में तो जस्ट यही लिखा हुआ है कि रिटर्निंग और नॉन रिटर्निंग, लेकिन हम फंक्शंस को फुल डिटेल के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, क्लासेस क्या होती हैं, और अगर आपने सी प्रोग्रामिंग की हुई है तो उसके अंदर आपने स्ट्रक्ट जो है वो भी किया होगा, आप उससे थोड़ा फेमिलियर होंगे, और फिर हम वो भी देख लेंगे कि स्ट्रक्ट जो है उससे इसका डिफरेंस क्या है। अगर नहीं भी की सी लैंग्वेज तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे डिटेल के अंदर इन दोनों चीज़ों को देखेंगे इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद हम डाटा देखेंगे कि क्लासेस के अंदर डाटा जो होता है वो क्या होता है, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, उनको आप मेथड्स कहते हैं, और एट्रीब्यूट्स अगर आप डाटा को कहना चाहें तो वो हम देखेंगे फुल डिटेल्स के अंदर। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर्स की तरफ जाएंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, और फिर उनको इंप्लीमेंट भी करेंगे, और टाइप्स उसकी देखेंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे जाएंगे, इनहेरिटेंस क्या होती है और उसके रिलेटेड जो हमारे कीवर्ड्स आ जाते हैं और उनके यूजेस, कि वो वाला कीवर्ड जो जो हम वहाँ पर जा के देखेंगे वर्चुअल हो गया या पब्लिक प्राइवेट, वो जो भी कीवर्ड्स हैं हमारे पास वो हम देखेंगे कि वो क्या है, उनके मतलब क्या है, कब कौन सा यूज़ करना है एंड वगैरह वगैरह वो सब कुछ। उसके बाद थोड़ा एडवांस पे पहुंच जाएंगे, इसके अंदर हम STL देखेंगे, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो इसका स्टैंड फॉर है, उसके अंदर वेक्टर्स देखेंगे, लिस्ट हो जाएगी, मैप्स देखेंगे एंड अदर स्टफ़ जो भी उसके अंदर आ जाए, और इनके मेथड्स जो हैं वो जो अवेलेबल है हमारे पास इनकी लाइब्रेरीज़ में वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम एल्गोरिदम्स देखेंगे कि एल्गोरिदम्स जो हैं वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या हैं, और फिर हम इस तरह से एल्गोरिदम्स से होते हुए तीसरे नंबर पर जाकर डेटा स्ट्रक्चर जो है उसका भी टच थोड़ा सा करेंगे, और देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और इसकी डिटेल्स में भी हम तभी जाएंगे, अभी यहाँ पे बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ी थोड़ी लाइनों के अंदर उनको लिख रहा हूँ, फिर वो चीज़ें जो मुझे खुद भी नहीं पता, तो ये हम मिलजुल के सीखेंगे इन सब को। और फिर इससे मुराद वो है कि C++ के अंदर जो चीज़ें की जा सकती हैं वो ऐसी भी चीज़ें हैं जो पढ़ाई नहीं जा सकती, वो बस की जाती हैं, तो वो हम मिल के करेंगे। कॉन्सेप्ट्स जो थे हमारे पास वो इतने ही हम करेंगे, उसके बाद हम थोड़े से प्रोजेक्ट्स में भी करें, और उसके बाद इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करेंगे। इसलिए इसका जो टाइटल है वो थिंग्स आई डोंट नो लिखा हुआ है, कि वो अभी मुझे भी नहीं पता कि वो हम किस तरह से करेंगे, वो तब जाके हम डिसाइड करेंगे मिलजुल के कि हमने कौन सी चीज़ करनी है और कैसे करनी है, और इस तरह से हम एडवांस लेवल का जो हमारा होगा C++ के अंदर कॉन्सेप्ट्स वो भी क्लियर कर जाएंगे। और ये जी हमारा था C++ का शॉर्ट सा रोड मैप, की और इसके अंदर हमने देख लिया कि किस तरह से हमने लर्न करनी है चीज़ें, और स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशंस के साथ, ताकि जो नई वीडियोस आएंगी वो बाय द वे प्राइम डेट्स पे आएंगी, प्राइम डेट्स मतलब कि जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे उन डेट्स पे आएंगी, यानी कि मंथ का जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से जो हमारी डेट्स आएंगी उन पे वीडियो न्यू आया करेगी। दैट्स इट, आई होप कि आपको इस रोड मैप की समझ आ गई है, आपने अगर आप चाहें तो ये इसका थोड़ा सा छोटे छोटे नोट्स बना लें कि हमने किस तरह से ये चीज़ें सीखनी हैं, और जो जो आप सीखते जाएँ उनको टिक्स करते जाएँ, और फिर या अगर आप चाहें तो आप साथ साथ काम कर सकते हैं, जो जो हम वीडियोस देखते जाएंगे उसके अंदर हम जो भी चीज़ें करते जाएंगे वो हम वो आप नोट्स में लिखते जा सकते हैं और उसके साथ टिक्स करते जा सकते हैं। बाकी जो बात रही वीडियोस की, वीडियोस शॉर्ट शॉर्ट सी मैं कोशिश करूँगा कि हों, या अगर लंबी भी हो जाती है तो वो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा किस तरह की चीज़ हम पढ़ें। दैट्स इट, आई विल सी यू इन अनदर वन।